Hello dear students, in this lecture we are going to learn about the design of spur gear. So as we have studied in the previous lecture also, spur gear is a type of parallel axis shaft gear. So you may say spur gear are used to transmit power and rotary motion between the parallel shafts, and the teeth of the spur gear are straight and parallel to the axis of the wheel. Now you can see in this diagram there are two spur gears. Smaller one will be called as your pinion and the larger one will be called as your gear. So next, the nomenclature of the gear. In case of a gear, you are having lots of terms like addendum, dedendum, addendum circle, top length, face width, circular pitch, tooth thickness, clearance circle, and certain terms you need to be understand before going to the design. First is your gear ratio. Gear ratio जो होता है वो आपकी teeth, number of teeth का ratio होता है. Number of teeth of the bigger gear to the number of teeth of the smaller gear. Next is your transmission ratio. Transmission ratio angular velocity का ratio होता है. Angular velocity of the driving gear to the angular velocity of the last driven gear. अगर हम gear train लेते हैं उसी में transmission ratio use करते हैं. Next are the cycloidal. Cycloidal और involute दो gear teeth की profiles होती हैं. उनको कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए. Cycloidal कैसे बनता है? A plane curve described by a point on a circle which rolls without slip on a fixed line. जब आप किसी सर्कल के पे एक फिक्स पॉइंट रख देते हो और उसे किसी फिक्स लाइन पे रोल कराते हो, तो जो पाथ वो पॉइंट ट्रेस करेगा वही साइक्लोइडल कर्व होगा. नेक्स्ट इज योर इन्वॉल्यूट. इन्वॉल्यूट कर्व कैसे बनता है? इन्वॉल्यूट कर्व में आप एक पॉइंट को लीजिए और उसे आप फिक्स सर्कल पे रोल कराइए, जो वो ट्रेस करेगा वो इन्वॉल्यूट कर्व होगा. नेक्स्ट इज योर फेस विड्थ. फेस विड्थ आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज द विड्थ ओवर द टूथ पार्ट ऑफ अ गियर मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जनरेटर ऑफ द रेफरेंस सिलेंडर. इसमें आप देख पा रहे हो, दैट इज योर फेस विड्थ. नेक्स्ट इज योर बेस सर्कल. बेस सर्कल में एक्चुअली एक इमेजिनरी सर्कल होता है जिसके ऊपर आप इन्वॉल्यूट कर्व को बनाते हो. इन्वॉल्यूट कर्व बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं बनता है, उसमें कुछ डिस्टेंस पे बनता है. तो जो डिस्टेंस जहाँ से स्टार्ट होती है उस वहाँ से एक इमेजनरी सर्कल हम मान लेते हैं, उस इमेजनरी सर्कल को ही बेस सर्कल बोलते हैं. सो बेस सर्कल इज एन इमेजनरी सर्कल फ्रॉम विच एन इन्वॉल्यूट कर्व ऑफ द टूथ प्रोफाइल इज जनरेटेड. नेक्स्ट इज योर सर्कुलर पिच. एज यू कैन सी हेयर, सर्कुलर पिच इज द डिस्टेंस और यू मे से रेडियल डिस्टेंस अलोंग द पिच सर्कल फ्रॉम वन टीथ टू द एडजेसेंट टीथ पॉइंट. सो सर्कुलर पिच को आप रेशियो से कैसे डिफाइन करोगे? पाई डी बाई जेड, दैट इज डी इज द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल एंड जेड इज द नंबर ऑफ टीथ. नेक्स्ट इज योर डायमेट्रिक पिच. डायमेट्रिक पिच इज सिंपली द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ टू द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल. नेक्स्ट इज योर मॉड्यूल. मॉड्यूल इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ. मॉड्यूल एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है डिजाइन में, क्योंकि मॉड्यूल से डिसाइड होता है कि साइज ऑफ द गियर कितना है. मॉड्यूल दोनों गियर्स के सेम होने चाहिए, उनको प्रॉपर मैचिंग अगर होनी है उनके अंदर. अगर आपका दो गियर्स हैं जिनमें पावर ट्रांसमिट आपको कराना है बाय द मैचिंग, तो मैचिंग प्रॉपर तभी होगी, एंगेजमेंट प्रॉपर तभी होगी जब दोनों का मॉड्यूल सेम हो. सो दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द डिजाइन. नेक्स्ट इज योर प्रेशर एंगल. प्रेशर एंगल इज दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस. और कौन कौन सी लाइंस होंगी? फर्स्ट होती है लाइन ऑफ एक्शन, सेकेंड होती है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सेंटर्स एट द पिच पॉइंट. सो प्रेशर एंगल्स ही डिसाइड करता है कि आपका टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू क्या है. वो आगे हम देखेंगे इसे.
नेक्स्ट इज योर सेंटर डिस्टेंस. सेंटर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू गियर्स, स्मॉलर एंड द लार्जर वन. नेक्स्ट इज योर बैकलेस. बैकलेस वो डिफरेंस होता है टूथ स्पेस और टूथ विड्थ के बीच में. क्लियरेंस. क्लियरेंस डिफरेंस बिटवीन द अडेंडम ऑफ द गियर एंड द डिडेंडम ऑफ द मेटिंग गियर. इसको क्लियरेंस बोलते हैं हम. नाउ द टूथ इन्वॉल्यूट सिस्टम. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टू गियर टूथ प्रोफाइल दैट इज साइक्लॉइडल एंड इन्वॉल्यूट. हम इन्वॉल्यूट को ज़्यादा यूज करते हैं उसका बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजन्स. रीजन क्या होते हैं उसके. इन्वॉल्यूट प्रोफाइल फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करता है. दैट इज नेक्स्ट इज इन्वॉल्यूट गियर गिवन मॉड्यूल और गिवन प्रेशर का कंप्लीटली इंटरचेंजेबल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इसको आप सिंगल टूल से बना सकते हो. इसमें जो आर्क होती हैं अगर आप साइक्लोडल की बात करो उसमें दो आर्क होती हैं उसमें आप सिंगल टूल से पॉइंट टूल से नहीं बनेगा आपका. नेक्स्ट कि अगर आपका सेंटर डिस्टेंस थोड़ा सा वेरी कर जाते हैं सो तो आपका इसमें वेलोसिटी रेशो चेंज नहीं होगा. दैट इज ऑनली ट्रू फॉर द इन्वॉल्यूट सिस्टम. सो नेक्स्ट इज योर प्रोपोर्शंस ऑफ स्टैंडर्ड. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम में भी कि हमारे पास जो इन्वॉल्यूट सिस्टम है वो प्रेशर एंगल डिपेंड करेगा. 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम भी होता है, 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम भी होता है, 20 डिग्री स्टब टूथ. ये जो डिग्री में दे रखे हैं प्रेशर एंगल की वैल्यू है. तो इतने प्रेशर एंगल के लिए ये वैल्यू होती हैं आपकी स्टैंडर्ड. मॉड्यूल इतना अडेंडम इतना होगा, डिडेंडम इतना होगा, वो डिपेंड करेगा प्रेशर एंगल कितना है और वो फुल डेप्थ है या स्टब है. स्टब का मतलब है कि वहाँ पे टॉप से कुछ कट किया हुआ है, एक्चुअल उसकी लेंथ नहीं है वो. यस. नेक्स्ट इससे आप देख सकते हो कि जो आपके प्रेशर एंगल 14.5 फुल डेप्थ सिस्टम के लिए अडेंडम की वैल्यू क्या होगी, 1 मॉड्यूल. डिडेंडम की होगी 1.157 मॉड्यूल. दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू तो आपको डिजाइन में लेनी होती हैं. क्लियरेंस 0.157 मॉड्यूल, वर्किंग डेप्थ 2 मॉड्यूल, होल डेप्थ दिस वन. फोर इन सभी सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड्स वैल्यू होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस. नाउ इन केस ऑफ डिजाइन, तो डिजाइन का मतलब क्या है गियर का. डिजाइन डिजाइन का मतलब है कि जब गियर चलेगा तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर्सेज व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ द गियर. गियर के डायमेंशंस क्या होनी चाहिए. अब इसमें फोर्स भी दो टाइप के लग सकते हैं, स्टैटिक फोर्स एंड डायनेमिक फोर्स. पहले हम स्टैटिक फोर्स के लिए देखते हैं. तो फोर्स एनालिसिस में पहले आप अजम्पशंस लोगे. अजम्पशंस हैं, फर्स्ट अजम्पशन हम ये लेते हैं कि जो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मूव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स Fn चेंजेस. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो फोर्सेस को, जैसे ही रोटेशन होता रहेगा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा, तो उसके कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो चेंज होता है. बट उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, हम मानेंगे जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट फोर्स का Fn का वो चेंज नहीं होगा. सो तो हम जब ड्राइव करेंगे तो Fn की वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द पॉइंट प्रोसेस. नेक्स्ट इज योर इट इज एज्यूम दैट ओनली वन पेयर ऑफ टीथ टेक्स द एंटायर लोड. जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हम सिंगल पेयर ऑफ टीथ पे ही फोकस करेंगे, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली मोर देन वन पेयर ऑफ टीथ कॉन्टेक्ट में हो सकता है और वो लोड को शेयर करेगा, वो हम इग्नोर करके चलेंगे. नेक्स्ट इज योर कि ये स्टैटिक कंडीशंस में ही वैलिड होगी जो हम करेंगे. स्टैटिक का मतलब यहाँ पे लो स्पीड्स पे होगा कि जब गियर आपका लो स्पीड्स पे रन करेगा तो हम उसे स्टैटिक कंडीशन बोल रहे हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट इज योर डेरिवेशन. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दे आर टू गियर ड्राइवर एंड ड्रिवन. तो जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो एक फोर्स लगाएगा ड्राइवर ड्रिवन पे, तभी वो मूव करेगा. उस फोर्स को हम Fn बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो लगाता है. और ये फोर्स कहाँ पे लगता है, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द प्रेशर लाइन. सो द टूथ ऑफ द ड्राइविंग गियर एग्जर्ट्स अ फोर्स Fn ऑन द टीथ ऑफ ड्रिवन गियर. ड्राइवर ड्रिवन पर फोर्स लगाएगा तभी तो वो मूव करेगा. बट एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गियरिंग ये Fn हमेशा ही लाइन ऑफ एक्शन से पास करेगा.
अब इस एफ एन के दो कंपोनेंट आप देख पा रहे हो, यहाँ से दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे हम इसे, एफ टी एंड एफ आर। एफ टी विल बी टेंजेंट टू दी टीथ, एफ आर विल बी दैट इज एक्टिंग कंप्रेसिव फोर्स। सो हमारे लिए यूजफुल लोड रहेगा एफ टी, बिकॉज एफ टी आपका टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वही मोशन देगा इसमें। एंड हम डेरिवेशन में एफ आर को इग्नोर भी करेंगे आगे चल के, क्योंकि जो फाई की वैल्यू है वो काफ़ी लो होती है, तो लो होगी तो एफ टी में साइन कंपोनेंट आएगा, उससे काफ़ी वैल्यू इग्नोरेबल हो जाती है। सो यू मे से एफ टी इज द यूजफुल लोड बिकॉज इट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, एंड टॉर्क से ही पावर मिलेगी आपको, वो डिसाइड होगा कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकते हो आप। तो एफ टी से ही पता चलता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कितनी हो सकती है इस गियर से, इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। सो एफ टी एंड एफ आर की वैल्यू आप एफ एन के टर्म्स में निकाल सकते हो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो फोर्स रिजोल्यूशन है सिंपली, नथिंग एल्स। अब फोर्सेस को निकालते हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे रिजोल्यूशन से, डायरेक्शन कैसे निकालोगे। दो फोर्सेस हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल। रेडियल की हमेशा ही अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ द पिनियन एंड गियर लगेगा, और आप इसे ऐसे बोल सकते हो टूवर्ड दी सेंटर, टूवर्ड दी सेंटर हमेशा लगेगा। सेकंड टेंजेंशियल कंपोनेंट वो एक्ट करेगा टेंजेंट टू द पिच सर्कल्स, जो दोनों के पिच सर्कल्स हैं पिनियन एंड गियर, उन पर एक्ट करेगा एफ टी। सो एफ आर और एफ टी की हम डायरेक्शंस बता सकते हैं। तो अब कंप्लीट हुआ है फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस में आप मेन फोर्स एफ एन है, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है, एफ एन को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एफ आर एंड एफ टी। रेडियल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर होती है, एफ टी टेंजेंट टू द पिच सर्कल्स ऑफ द गियर एंड पिनियन, टेंजेंट होगा। और दोनों की वैल्यू हम फोर्स रिजोल्यूशन से निकाल लेते हैं, तो एफ टी एफ एन कॉस फाई होगा, एफ आर एफ एन साइन फाई होगा। तो दोनों की वैल्यूज में किस पे डिपेंड कर रहा है, मेनली फाई पे, प्रेशर एंगल की वैल्यू। तो प्रेशर एंगल की वैल्यू अगर कम होगी तो एफ आर काफ़ी कम हो जाएगा, एफ आर की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, उसे इग्नोर कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट हम डेरिवेशन जब करेंगे, हम डिजाइन जब स्टार्ट करेंगे, तो लुइस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। लुइस इक्वेशन में अजम्पशन लेते हैं कि एफ आर को इग्नोर कीजिए आप। सो इसका यही रीज़न होता है कि प्रेशर एंगल की वैल्यू कम होती है, जिसके कारण एफ आर की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, आप इग्नोर कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज योर बीम स्ट्रेंथ। अब हमने फोर्सेस देख लिए कौन कौन से लगते हैं, एफ आर और एफ टी, और कौन सा इम्पोर्टेंट है, एफ टी, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि पावर ट्रांसमिट कितनी हो सकती है, वही कंपोनेंट है जो पावर को ट्रांसमिट कराएगा। नेक्स्ट अब हमें स्ट्रेंथ देखना है कि जो टूथ है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या इस फोर्स को वो टॉलरेट कर सकता है। सो दैट इज बेसिक इक्वेशन फॉर दिस बीम स्ट्रेंथ, दैट इज द लुइस इक्वेशन। एंड इन केस ऑफ लुइस एनालिसिस, गियर टूथ को कैंटिलीवर बीम की तरह मानना है आपको, जैसे इस डायग्राम में आप देख भी पा रहे हो कि गियर टूथ को एज अ कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट करना है। सो इन द लुइस एनालिसिस द गियर टूथ इज ट्रीटेड एज द कैंटिलीवर बीम, द टेंजेंशियल कंपोनेंट कॉजेज द बेंडिंग मोमेंट अबाउट द बेस ऑफ द टूथ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा अबाउट द जो बेस है टूथ का। सो सम अदर अजम्पशंस ऑल्सो देयर, फर्स्ट तो ये हो गई कैंटिलीवर बीम की तरह मानना है आपको, अदर्स हैं कि आपको पी आर को इग्नोर करना है, मैं पहले बता चुका हूँ। द इफेक्ट ऑफ द रेडियल कंपोनेंट पी आर विच इंड्यूसिस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड। रीजन क्या है, बिकॉज द प्रेशर एंगल इज क्वाइट लो, इफ द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल इज लो देन द वैल्यू ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल बी वेरी स्मॉल विच कैन बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट इज योर, इट इज एज्यूम दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस विड्थ ऑफ द गियर। यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने माना है कि जो टेंजेंशियल फोर्स है वो यूडीएल की तरह एक्ट कर रहा है। सो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका गियर रिजिड हो और एक्यूरेटली मशीन हो। नेक्स्ट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम इग्नोर करके चलेंगे यहाँ पे। एंड लास्ट इज,
हम एज्यूम करेंगे कि एक ओनली सिंगल पेयर ऑफ टीथ ही कॉन्टैक्ट में है और टोटल लोड उन्हीं पर लग रहा है। लास्ट टाइम हम इसे अभी पढ़ा था हमने कि ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन अ पेयर एक्ट कर रहे हों और लोड को शेयर कर रहे हैं, बट वो हम इग्नोर करके चलना है। सो नाउ द लुईस इक्वेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब हमें लुईस इक्वेशन निकालनी, बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट कर रहा तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी हमें, हमें इसमें बीम स्ट्रेंथ का मतलब है यहाँ पे कि बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालने के तरीके से, बीम स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेंथ है। सो बेंडिंग स्ट्रेंथ बेंडिंग इक्वेशन से निकालेंगे, बेंडिंग इक्वेशन आपको पता ही है एम वाई बाई आई होते हैं, इसके लिए पहले हम मोमेंट निकाल लेते, तो मोमेंट कितना होगा, मोमेंट कितना है पी टी, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है इंटू एच, ये हाइट है गियर टीथ की, सो पी टी इंटू एच हो गया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस कितना दिख रहा है आपको, बी टी क्यू बाई 12 रेक्टेंगल है। वाई वाई इस आपको पता है जब हम मोमेंट इक्वेशन लेते थे वाई इज सिंपली द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द फाइबर, यहाँ पे आप ले रहे हो तो ये टी बाई 2 होगा। सो हम इसको अगर इक्वेशन में पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को तो एम वाई बाई आई में आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स यू विल गेट अ टर्म पी टी इक्वल टू बी सिग्मा बी टी स्क्वायर बाय 6h। नाउ मॉडिफाइंग द इक्वेशन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय द एम मॉड्यूल, मॉड्यूल से डिवाइड कीजिए आप, तो जो ये टर्म है आपकी ब्रैकेट में इसको हम एक कॉन्स्टेंट एक फैक्टर ले लेते हैं वाई, इसे लुईस फैक्टर बोलते हैं, टी स्क्वायर बाई 6hm, टी थिकनेस है एच हाइट है उसकी एम मॉड्यूल है। सो अब पी टी क्या बन गया, टेंजेंशियल फोर्स एम बी सिग्मा बी इंटू वाई। सो वाई को हम लुईस फॉर्म फैक्टर बोलेंगे, तो ये इक्वेशन होती है इसकी। अब हम अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी उसी को हम बीम स्ट्रेंथ बोलेंगे। अभी आपने टेंजेंशियल निकाल लिया है तो अब हम बीम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स दैट द टूथ कैन ट्रांसमिट विदाउट बेंडिंग फेलियर, बेंडिंग को जो टॉलरेट कर सके वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को ही हम बीम स्ट्रेंथ बोलते हैं। कि जो बीम है मेरी, जो कैंटिलीवर बीम है जो कि एक्चुअल में तो टूथ है आपका एक, वो कितने बेंडिंग फोर्स को टॉलरेट कर सकता है बिना बेंडिंग फेलियर के, सो इसी को बीम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू को एस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी पी टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे नॉर्मल वैल्यू, जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी एस बी बोलोगे आप बीम स्ट्रेंथ। सो बीम स्ट्रेंथ दोनों की अलग अलग होगी, गियर की और पिनियन की। अब जिसकी वैल्यू जिसकी बीम स्ट्रेंथ कम होगी वो वीकर होगा, वो वीकर गियर होगा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम बी सिग्मा बी इंटू वाई। अगर ही सेम मेटेरियल के बने हैं तो पहले तो देखिए दोनों का मॉड्यूल सेम होगा, हमें पता ही है कि दो मैशिंग में रहते हैं तो मॉड्यूल सेम होगा, दोनों का विड्थ भी सेम होगा। अब बचा क्या, सिग्मा बी इंटू वाई। अगर डिफरेंट मेटेरियल के बने हुए हैं दोनों पिनियन एंड गियर, तो सिग्मा बी और वाई के प्रोडक्ट डिसाइड करेगा वीकर गियर कौन सा है, जिसका सिग्मा बी इंटू वाई प्रोडक्ट की वैल्यू लेसर होगी वही वीकर गियर होगा, और उसी पे एक लुईस इक्वे लुईस एनालिसिस को लगाते हैं। सेकंड, अगर दोनों सेम मेटेरियल के हैं तो हमेशा ही पिनियन वीकर गियर होगा, दैट इज डिफॉल्ट, यहाँ से देख सकते हो आप। नेक्स्ट, अब हमने क्या क्या निकाल लिया है डिज़ाइन के लिए, फोर्स एनालिसिस कर ली है और हमने बीम की स्ट्रेंथ भी निकाल ली। नाउ अब गियर टूथ फेलियर किस किस से हो सकता है, और फर्स्ट इज ब्रेकेज ऑफ द टूथ ड्यू टू स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड्स, अभी देखा हम थोड़ा सा। सरफेस डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे देख पा रहे हो आप दोनों फोर्सेस में ब्रेकेज भी है एंड सेकेंड इज योर दैट इज डिस्ट्रक्शन भी है सरफेस। सो ब्रेकेज तो डिपेंड करेगा कि जो अगर आप उसके मॉड्यूल और फेस विड्थ की वैल्यू इस तरीके से लगाते हो कि वो जो सम ऑफ द डायनेमिक एंड स्टैटिक फोर्स को टॉलरेट कर सके,
डायमेंशंस ऐसी हों कि जो स्टैटिक और डायनेमिक लोड को झेल सके, तो ब्रेकेज ऑफ टूथ नहीं होगा। सेकंड, सरफेस डिस्ट्रक्शन। सरफेस डिस्ट्रक्शन किससे होगा? ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो टीथ है उसमें रोलिंग और स्लाइडिंग एक्शन कंबाइन होते हैं एक साथ। सो रोलिंग एक्शन तो कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस लगाता है, और जो स्लाइडिंग है वो उसमें रबिंग एक्शन देता है। तो एक्चुअल में पिनियन तेज़ी से घूमता है, मैक्सिमम वेलोसिटी पिनियन की होगी, स्मॉलर वन होता है, तो इसमें ज़्यादा रबिंग एक्शन होता है। तो कौन कौन से वियर हो सकते हैं गियर टूथ में? एब्रेसिव, कोरोसिव, पिटिंग एंड स्कोरिंग, दीज आर द। सो नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी फैक्टर। हम डिजाइन करेंगे तो हम वेलोसिटी